सर्वार्थ सिद्धि अध्याय नंबर एक पृष्ठ नंबर 96 पैराग्राफ नंबर 231 231। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, सर्वार्थ सिद्धि अध्याय एक पेज नंबर 96 96 पैराग्राफ नंबर 2231 231। देखते मत्यादि के विषय संबंध का निश्चय किया, मत्यादि ज्ञान के विषय में जाना, परंतु यह ना जान सके कि एक आत्मा में एक साथ अपने अपने निमित्तों के मिलने पर कितने ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं। आचार्य कहते हैं, हमने पांचों ज्ञान के स्वरूप को अच्छी तरह जाना, लेकिन अभी यह निर्णय नहीं हुआ कि किस आत्मा में कितने ज्ञान होते हैं। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, हर शब्द एकदम व्यवस्थित। आइए आगे देखते हैं। सूत्र नंबर 30, एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्या चतुरभ्या, एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्या चतुरभ्या। सूत्रार्थ, एक आत्मा में एक सा एक को आदि लेकर, एकादीनी एक को आदि लेकर चार ज्ञान तक भजना से होते हैं, अर्थात विभाजित किए जाते हैं। एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार तक ज्ञान संभव हैं। कैसे संभव है वो आगे आचार्य बतलाएंगे, तो आइए देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 232, एक शब्द संख्यावाची है और आदि शब्द अव्ययवाची है। अव्यय मतलब जिसका कोई व्यय नहीं होता, अवयव मतलब हिस्सा, यहाँ पे कहते हैं अवयववाची मतलब हिस्से को बतलाने वाला है। जिनका आदि एक है वे एकादि कहलाते हैं। भाज्यानी का अर्थ विभाग करना चाहिए होता है, विभाग करने पर, विभाग मतलब टुकड़ा, विभक्त। तात्पर्य यह है कि एक आत्मा में एक साथ एक ज्ञान से लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। ध्यान से समझना, एक ज्ञान से लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। जैसे यदि एक ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होता है, उसके साथ दूसरे छायोक्षमिक ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। ये नियम है कि किसी भी जीव को यदि केवल ज्ञान होगा तो अन्य कोई ज्ञान वहाँ नहीं रह सकते। इसका कारण यह है कि अन्य चार ज्ञान छायोक्षमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान छायिक ज्ञान है। छायिक ज्ञान के होने पर छायोक्षमिक ज्ञान रह नहीं सकते, ये नियम है, इसलिए ऐसा कथन आचार्य महाराज ने किया। दो होते हैं तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते हैं, तीन होते हैं तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान होते हैं। ध्यान से, यह आगम का वचन है कि कोई भी जीव कभी भी ज्ञान से शून्य नहीं होता, क्योंकि ज्ञान जीव का लक्षण है, उपयोग चेतना, तो इसलिए उससे शून्य कोई जीव नहीं होता। इसलिए आचार्य ने लिखा, कम से कम लघु लब्ध अक्षर प्रमाण ज्ञान ही सही, लेकिन सबसे कम ज्ञान लब्ध अक्षर ज्ञान होता है, उतना ज्ञान तो
प्रत्येक जीव में पाया ही जाएगा। अंतिम निबोधिया अवस्था की बात हो रही है, मतलब हर जीव में थोड़ा बहुत ज्ञान तो रहता ही है। इसलिए आप और हम जो मजाक में कभी कह देते हैं कि ये तो अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हर जीव कुछ ना कुछ तो जान सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नाम का एक गुण सदा विद्यमान रहता है, निरंतर नियम से। ठीक है, चलिए इसमें विशेष यही जानना, जिसके मति ज्ञान है उसके साथ में श्रुत ज्ञान नियम से होता है। ये दो ज्ञान होते हैं, किन्हीं एक मत के अनुसार मति ज्ञान अकेला भी होता है, लेकिन उसे ज़्यादा बल नहीं दिया गया। इसलिए दो ज्ञान प्रत्येक जीव के कम से कम संसारी अवस्था में 12वें गुरु स्थान की पूर्व तक अनिवार्य माने गए हैं। निबोधिया जीव से लेकर 12वें गुरु स्थान वर्ती जीव तक प्रत्येक के कम से कम दो ज्ञान, मति ज्ञान और स्तुत ज्ञान होंगे ही होंगे। ठीक है, तीन ज्ञान होंगे तो मति, श्रुत और अवधि। जैसे देव नारकियों के नियम से होते हैं तीन तीन ज्ञान, उनमें कुमति मिथ्यात्व रूप में होने से वो विपरीत रूप हो जाते हैं। संसारी प्रवृत्ति में मनुष्यों त्रियंचों के भी तीन ज्ञान संभव हैं। अन्य रूप से जो तीन ज्ञान कहे, मति, श्रुत और मनः पर्याय, यह केवल मुनि महाराजों के ही संभव है। ठीक, चलिए आगे। तथा चार ज्ञान होते हैं तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान होते हैं। किन्हीं किन्हीं विशिष्ट मुनिराजों के वर्धमान चारित्र्य आदि के इस प्रकार की संभावना होती है। तीर्थंकर भगवान आदि होते हैं, वे दीक्षा लेते ही चार ज्ञान के धारी हो जाते हैं, इसलिए उनके समान ऐसे विशिष्ट जीवों में ये होते हैं। एक साथ पांच ज्ञान नहीं होते, क्योंकि केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है। असहाय मतलब किसी की भी सहायता के बिना होता है, तो इसलिए उसे किसी और के साथ में नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार यह एक साथ एक जीव में चार ज्ञान तक संभव है, इस बात को कहने वाला यह व्याख्यान यहाँ पर पूर्ण हुआ।